एक बार दो भाई थे, एक का नाम था कर्मवीर, एक का नाम था धर्मवीर। कर्मवीर कर्म पर भरोसा करता था, धर्माचरण नहीं करता था, ईश्वर को तो बिल्कुल नहीं मानता था, भगवान को नहीं मानता था, साधु संतों को नहीं मानता था, पर धर्मवीर धर्म में रुचि रखने वाला। धर्मवीर और कर्मवीर, एक धर्मनिष्ठ एक कर्मनिष्ठ, वो अपने काम पर भरोसा करता था, ना ईश्वर को माने ना महात्मा को, किसी को नहीं। एक बार संतों की जमात आई, पुराने जमाने में जमात चलती थी, हमने खूब दर्शन किए संतों की जमात के, अपने नगर में विदरबार में मंदिर में जमात रुकती थी, हाथी घोड़े लेकर के महात्मा लोग आते थे, कोई चार सरकार, कोई आठ सरकार, कोई 14 सरकार, कोई 16 सरकार, 16 सरकार तक होते थे मैंने देखा। उनके महात्माओं के भी अधिकारी होते हैं, कोई नकली महात्मा पकड़ में आ गया सो उसकी पिटाई करते थे, उसका पूरा पहले बायोडाटा लेते थे, बता दूं किस परंपरा का है, कौन से अखाड़े का है, और जब कोई कुछ नहीं बता पाता था तो जो बोले असली हो तो उसको प्रणाम करते थे, उसका सभ्य प्रबंधन करते थे, और फसली हुआ तो पकड़ करके फिर पिटाई करते थे, क्योंकि फसली महात्मा भी होते ना, जहां देखा भंडारा हो रहा है कि कोई कार्यक्रम हो रहा है सो बढ़िया अपना कपड़े रंग के पहुंच गए, किसी परंपरा से नहीं होते, मनमुखी। तो फर्जी बाड़ा को पकड़ने के लिए महात्माओं की ये जमात चलती थी, भाई कोई फर्जी महात्मा कोई कांड कर दे तो बदनामी तो महात्माओं की होती है कि फलाने बाबा जी ने ऐसा कर दिया, अब वो बाबा जी किस परंपरा का है, किस अखाड़े का है, कुछ नहीं, तो ऐसे फर्जी बाड़ा पकड़ते थे महात्मा लोग। तो जमात आई, महंत जी बड़े जोरदार थे, धर्म रुचि जो था धर्मवीर, वो संतों के दर्शन करने, आहा अहो भाग्य हमारे, इतने संत हमारे नगर पधारे, महाराज कृपा हो जाए घर में, आपके चरण पड़ जाएं, हमारा घर आंगन पावन हो जाए, बड़ा श्रद्धालु था। महात्मा बोले हाँ आ जाएंगे, कोई बात नहीं, वैसे हम किसी के यहाँ जाते आते नहीं है, पर तुम्हारी श्रद्धा देख करके लगता है कि चले चलेंगे। तो धर्मवीर ने कहा महाराज पर एक समस्या है घर में। क्या? बोले मेरा भाई है कर्मवीर नाम है, वो अपने काम में मस्त रहता है, साधु संतों में बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखता महाराज, बल्कि यूं कहो साधु को देख के चिढ़ता है, भला बुरा कुछ भी बोल सकता है, इसलिए मुझे थोड़ा संकोच लग रहा है कि मैं अपने घर लेके आपके आपको जाऊं और मेरा भैया कुछ उल्टा सीधा व्यवहार कर दे तो आप कहीं नाराज ना हो जाएं, लेने के देने ना पड़ जाएं हमारे। महात्मा बोले बच्चा कोई बात नहीं, हम तो महात्मा लोग हैं, सबकी बातें सुन लेते हैं, है? बूंद अगाध सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। दुष्टों की बातें हम महात्मा लोग तो बड़े प्रेम से सहने का अभ्यास है हमको, उल्टा सीधा बोलेगा सुन लेंगे, तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे घर चलेंगे। अरे वाह महाराज वाह, आपकी बड़ी कृपा। तो धर्म रुचि लेके आ गया, कर्मवीर से बोला सुनो आज संत महात्मा आएंगे, कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, सबको दंडवत प्रणाम करना, अरे कुछ मत कर पर कम से कम बोल भी तो कुछ नहीं, शांति से रहना, महात्मा आ रहे हैं। बोले हाँ। बोले ठीक है तो मैं जो दिखाए सो करो, बर्बाद कर दो अपनी धन की संपत्ति सब, बाबाओं को खिला पिला करके घर का सुपड़ा साफ किए दे रहे हो, तो मैं जो मर्जी आवे सो करो, मैं तो कमरे में घुस जाऊंगा, मैं तो उनकी शकल नहीं देखने वाला, जब तक रहेंगे तब तक मैं कमरे से ही नहीं निकलूंगा। और ऐसे करके बड़बड़ाता हुआ कमरे में घुस गया और भीतर से कुंदी मार ली। महात्मा लोग आए, स्वयं पाकी थे, अपने हाथ से बना के पाते थे, महात्माओं ने खूब बढ़िया भंडारा बनाया, और जब पाने बैठे तो घंटों तक तो जय जयकार लगती है महाराज, बामन द्वारे की और जाने कहां कहां तक की, सारे तीर्थों की, एक घंटे तक जय जयकार करी, वो सुनतारा कान लगा के देखो कैसे चिल्ला रहे, और भीतर ही भीतर बड़बड़ावे उल्टा सीधा, परंतु बाहर ना निकले। अब एक घंटा तक जय जयकार हुई, उसके बाद भंडारा पाया, और पा करके महंती जी ने कहा है वो तुम्हारा कर्मवीर भाई? बोले महाराज कमरे में घुसा है।
भीतर से ही बड़बड़ा रहा है, आप चक्कर में ना पड़ो, अच्छा है बड़बड़ाते रहने दो, आप तो महाराज आशीर्वाद दे और पधारो। नहीं नहीं, महंती जी बोले हम उससे मिल के जरूर जाएंगे। अरे महाराज ना मिलो वही अच्छा है, क्या बक दे, कोई भरोसा है उसका, महामूर्ख आदमी है। बोले नहीं नहीं, जो बकेगा हम सब सुन लेंगे पर मिलेंगे जरूर। देखो महाराज मेरी बात मान लो, महंत जी खूब हृष्ट पुष्ट मस्त थे, महात्माओं से कहा तुम चलो, तुम सब जाओ, मैं उनसे मिलके जरूर आऊंगा। तो ठीक है महाराज जी, और महात्मा तो सब खा पी करके जय जयकार करके निकल गए और महंत जी चुपचाप घर में ही बैठे रहे। अब वो कान लगाए सुन रहा था कि अब अल्लाह गुल्ला शांत हो गया, अब कोई जयकारा नहीं लग रहा, इसका मतलब सबरे महात्मा गए। तब उसने अपने कमरे की कुंडी खोली और जैसी कुंडी खोल के बाहर निकला सो महंती जी तो तके हुए दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही कुंडी खोल के बाहर आया महंती जी ने पकड़ लिया। हे बाबा क्या करता है भाई, मार डालेगा क्या, तू अभी तक गया नहीं? बोले बेटा तेरे से मिल के ही जाऊंगा, तेरे से मिलने के लिए ही खड़ा था। महात्मा जी तगड़े थे, उठा के पटका और छाती पर बैठ गए। बोले बाबा तू क्या करना चाहते है ये तो बता। बोले बेटा तेरे यहां का अन्न खाया है, तेरे से एक बार तो राम नाम बुलवा के ही जाऊंगा। हम फालतू में किसी का भोजन नहीं करते, जिसका प्रसाद पाते हैं उससे राम नाम बुलवाते हैं। हम तो भजन करते ही हैं पर जिसका खाते हैं उससे भी भजन करवाते हैं। एक बार राम नाम बोल सो ही छोड़ दूंगा। कर्मवीर बोला मेरे को बोलना ही नहीं है, जबरदस्ती है कोई क्या, मुझे नहीं बोलना। बोले बेटा नहीं बोलेगा तो तेरी छाती से मैं हटने वाला भी नहीं, जब तक नहीं बोलेगा तब तक नहीं हटने वाला। अब बेचारा कर्मवीर परेशान, ये तो बाबा मार डालेगा भाई, बहुत खतरनाक महात्मा है, अच्छे बुरे पल्ले पड़े तो जान बची तो लाखों पाए, चलो एक बार बोल ही देते कम से कम आफत तो टले। इसलिए जब जबरदस्ती बाबा ने जब गला दबाया सोई चिल्ला के बोला जय श्री राम, सोई बाबा ने कहा बन गया तेरा काम और उठ के खड़े हो गए और उसको खड़ा करके कहा सुनो अब तूने जिंदगी में एक बार मेरे कहने से बोल दिया है जय श्री राम, तो इस नाम को कभी बेचना मत, कोई कितना भी कोशिश करे खरीदने की। बोले बाबा तू क्या पागल हुआ है, राम नाम कौन खरीदेगा मेरे से? बोले नहीं मैं बताई दे रहा हूं, कोई खरीदे तो बेचना मत। बोले हाँ नहीं बेचूंगा भैया, तुम बाबा पधारे यहां से। सोई महात्मा आशीर्वाद देके चले गए। समय पाकर के कर्मवीर मर गया, मरा तो महापापी, सीधा यमराज के दरबार में पहुंचा यमदूतों के द्वारा। यमदूतों ने चित्रगुप्त से कहा जरा बताओ इसका खाता क्या है। चित्रगुप्त ने खाता देख करके कहा महाराज ये नंबर एक का दुष्ट नास्तिक, हां एक काम तो इसने थोड़ा सा जबरदस्ती कर दिया। अच्छा क्या? बोले एक महात्मा ने कृपा पूर्वक इससे जबरदस्ती एक बार राम नाम लिवा लिया, इसके अलावा इसके जीवन में कोई अच्छा काम नहीं है। अच्छा सिर्फ एक बार नाम लिया? बोले हां एक बार, वो भी जबरदस्ती, इसने नहीं लिया महात्मा ने लिवाया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो बता भाई कर्मवीर तूने एक बार राम नाम लिया है उसके बदले में तू क्या चाहता है? सोई कर्मवीर को महात्मा की बात याद आ गई, बेचना मत, क्या चाहता है? बोले हां जो चाहिए बता। तो कर्मवीर ने कहा पहले ये बताओ ये राम नाम की कीमत क्या है, लेन देन की बात तो मैं तब करूं, मुझे इसकी कीमत का पता लगा, राम नाम का क्या मूल्य है ये बताओ। अब यमराज सिर खुल जलाने लगे कि एक बार राम नाम की क्या कीमत हो सकती है भाई। बोले हमको तो नहीं मालूम, हम तो पापियों को पाप का दंड देना जानते हैं, ये राम नाम की क्या कीमत है हमें क्या पता। कर्मवीर बोला तो जिसको पता हो उसके पास ले चलो। बोले अच्छा चलो पता लगाते हैं, ले चलते हैं। कहां चलें? बोले इंद्र के पास चलते हैं, वो देवताओं के राजा हैं, पुण्यात्मा हैं, उनको शायद पता हो राम नाम की कीमत। तो कर्मवीर बोला सुनो मैं पैदल नहीं चलने वाला,
मेरे लिए कुछ व्यवस्था बनाओ, और चलूंगा तो तुम्हारे कंधे पर बैठ के चलूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। यमराज बोले बड़ा विचित्र आदमी है भाई, मैं लेके जा रहा हूं तो मेरे कंधे पर बैठ के जाएगा। बोले हाँ, तो मैं, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कीमत, तुम्हें पता लगानी है, तो मुझे यदि साथ में लेके जा रहे हो तो कंधे पर बैठाओ। यमराज ने कहा ठीक है बैठ जाओ, पता चले तो सही आकर के राम नाम की कीमत क्या है। कंधे पर बैठा के पहुंच गए देवराज इंद्र के दरबार में। बोले आओ आओ धर्मराज, कैसे आना हुआ? तो पूरी कहानी सुनाई, इसने जिंदगी में एक बार राम नाम लिया है, बाकी तो बड़ा दुष्ट है। अभी हमसे पूछ रहा है राम नाम की कीमत क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रही, तो हमने सोचा आप देवताओं के राजा हो, आपको पता होगा, तो आपके पास चले आए, कंधे पर बैठ के आया है इतनी दूर से, तो आप बताओ राम नाम की क्या कीमत है। इंद्र ने कहा यह तो पता है कि बहुत कीमत है, पर कितनी कीमत है यह तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। अच्छा तो तुम बताओ फिर, कौन बता सकता है? बोले विधाता ब्रह्मा जी को जरूर पता होना चाहिए, वो सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, निर्माता हैं। बोले ठीक तो चलो। कर्मवीर बोला ऐसे नहीं चलूंगा, पालकी लाओ, तुम दोनों आगे पीछे लगो, तब चलूंगा। तो देवराज इंद्र भी लग गए आगे, एक तरफ यमराज दूसरी तरफ देवराज, दोनों ने पालकी में बैठाया कर्मवीर को, चले विधाता ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी ने देखा आओ आओ भाई धर्मराज यमराज, कैसे आना हुआ, तो पूरी कहानी उनको भी सुनाई। बोले महाराज हमने सोचा आप सृष्टि के कर्ता धर्ता हो, आपको पता होगा, इसलिए आपके पास लेके आए, इसको बताओ राम नाम की क्या कीमत है। ब्रह्मा जी बोले राम नाम तो हम भी जपते हैं, पर कीमत को तो हम भी नहीं जानते, एक राम नाम की क्या कीमत हो सकती है, हमको नहीं मालूम, तो फिर आप बताओ किसको मालूम होगा। बोले ये कीमत तो भोले बाबा बना सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि भोले बाबा 24 घंटे राम नाम जपते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, 24 घंटे राम नाम के जापक हैं, उनको जरूर पता होगा। तो ब्रह्मा जी से कहा तुम भी लग जाओ पालकी में, सो बाबा को भी लगा दिया। ऐसे करते कर्मवीर पहुंच गए सीधे भोले बाबा के पास, सारी समस्या भोले बाबा को ब्रह्मा जी ने सुनाई कि महाराज ये पापी एक बार राम नाम लिया है, अब कीमत पूछ रहा है, हम में से कोई नहीं बता पाया, आप राम नाम के परम जापक हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए, सो आपके दरबार में आए हैं, हे धूमेश्वर बाबा आप ही बताओ अब क्या है राम नाम की कीमत। भोले बाबा ने कहा राम नाम तो मैं खूब जपता हूं, पर कीमत का तो मुझे भी नहीं मालूम भाई। लो आपको भी नहीं मालूम तो फिर किसे पता होगा। महादेव ने कहा जिसका नाम है उसी को पता होगा भाई, हम क्या जाने, हम तो उनसे प्रेम करते हैं इसलिए उनका भजन कर रहे हैं, कीमत तो जिसका नाम है वही जाने। तो फिर चलो वैकुंठ में। कर्मवीर बोला बाबा तो आप भी लग जाओ पालकी में। अब तो ब्रह्मा शंकर इंद्र यमराज सब दो दो आगे पीछे लेकर के कर्मवीर को पहुंच गए वैकुंठ में। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय। भगवान ने देखा कि अरे भाई ये महावीर कौन आ रहा है कि ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि के इसकी पालकी ढो रहे, ये पुण्यात्मा कौन है भाई। बोले बाबा किसको लाए हो कंधे पर बैठा के। बोले बाबा ने कहा कछु मत पूछो महाराज, ये महादुष्ट महापापी एक महात्मा ने जबरदस्ती गला दबा के इससे एक बार राम नाम बुलवा दिया, अब ये पूछ रहा है मेरे एक राम नाम की कीमत बताओ, अब आप ही बताओ महाराज हम आपके नाम की कीमत क्या बता सकते हैं इसको, इसलिए आपके पास लाए, अब आप बताइए आपके नाम की क्या कीमत है। भगवान बोले राम नाम की क्या कीमत है, इसको हमारे पास भेजो। तो कर्मवीर पालकी से उतर के भगवान के पास आया, भगवान ने हाथ पकड़ के अपनी गोदी में बैठाया और फिर कहा कि देख भाई
हमारे नाम की कीमत क्या है ये तो हमको भी नहीं मालूम। आपको भी नहीं मालूम तो फिर कैसे पता चलेगा? भगवान बोले राम नाम की इससे बड़ी कीमत क्या हो सकती है कि ये नंबर एक का पापी दुष्ट, जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई धर्म कर्म नहीं किया, परंतु फिर भी एक बार राम नाम वो भी जबरदस्ती लिवाया गया, तब उसका चमत्कार है कि ये तुम जैसे देवताओं के कंधे पर बैठकर आज वैकुंठ में आ गया और वैकुंठ में आके मेरी गोद में बैठ गया, इससे बड़ी राम नाम की कीमत और क्या हो सकती है। कहो कहां लगी नाम बड़ाई, 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 राम के नाम की अद्भुत महिमा है। स्वयं परमात्मा भी अपने नाम की महिमा का निरूपण नहीं कर सकते।